विश्व भर में भगवान शंकर का अलग स्थान है। भगवान शंकर के कई रूपों में से एक है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के विश्व भर में दो मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक नेपाल के काठमांडू का है और दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। बात नेपाल के मंदिर की करें तो ये मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। पशुपतिनाथ को विभाजित करें तो इसका अर्थ है पशु अर्थात जीव या प्राणी, पति का अर्थ है स्वामी और आखिर में नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। साफ शब्दों में कहें तो पशुपतिनाथ का मतलब है समस्त प्राणियों के नाथ भगवान शंकर। मंदिर में भगवान शिव की एक पांच मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चार दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है, जिनके अलग महत्व हैं। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठ देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं, लेकिन कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, जबकि पशुपतिनाथ का मंदिर और मुख्य गर्भगृह किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। आदिकाल से जब से भगवान जब से पिंडियों के रूप में भगवान शिवलिंग के रूप में आए, आदि शक्ति आदि शिव है। यहाँ जो मूल शिव है, जो सदा शिव है, उनका स्थापना है क्योंकि पंचमुखी है। यही नेपाल में ही जो हमारे केदारेश्वर है, केदार में भैंसे गुरु भगवान की पीठ है और यहीं से 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है डोलेश्वर महादेव, वहाँ भैंसे के मुख्य रूप में उनकी स्थापना है। इस मंदिर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्ति मुख भैरव मंदिर, बुंदानील कंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं। बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय गृहेश्वरी मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं कि ये पांच मुंह वाले अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। ऐसे ही कई और भी किस्से हैं जो इस मंदिर से जुड़े हैं। समाचार फर्स्ट से पी चंद की रिपोर्ट।